हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12, पेज नंबर 86। एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, राइस एंड व्हीट आर टू टाइप्स ऑफ डैश। राइस और व्हीट, ये दोनों इस चीज़ के टू टाइप्स हैं, इनके दो प्रकार हैं। ऑप्शन ए पल्सेस, बी कुकिंग ऑयल, सी सीरियल्स। तो फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन सी सीरियल्स। राइस और व्हीट, ये दोनों सीरियल्स के दो टाइप्स हैं। सेकंड, वी गेट मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द डैश ऑफ मस्टर्ड प्लांट। हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है मस्टर्ड प्लांट के इस पार्ट से। ऑप्शन ए रूट, बी सीड्स, सी स्टेम। तो सेकंड में हो जाएगा ऑप्शन बी सीड्स। थर्ड, शुगर इज मेड फ्रॉम डैश। शुगर इस चीज़ से बनाया जाता है। ऑप्शन ए पोटैटो, बी जिंजर, सी शुगर केन। तो थर्ड में हो जाएगा ऑप्शन सी शुगर, ये शुगर केन से बनता है। फोर, फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मिल्क आर आल्सो कॉल्ड डैश प्रोडक्ट्स। फूड आइटम्स जो कि मिल्क से बनाए जाते हैं, उन्हें इस तरह के प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए डेरी, बी एनिमल, सी वेजिटेरियन। तो फोर में हो जाएगा ऑप्शन ए डेरी। फूड आइटम्स जो मिल्क से बनाए जाते हैं, उन्हें डेरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक्सरसाइज बी, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क स्टडी एंड प्ले। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, जैसे स्टडी एंड प्ले, पढ़ने और खेलने के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन ट्रू, फर्स्ट में ट्रू। सेकंड, मूंग उड़द एंड मसूर आर सीरियल्स। मूंग उड़द और मसूर, ये सब सीरियल्स हैं। तो सेकंड हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, मिल्क एंड एग्स आर एनर्जी गिविंग फूड। मिल्क और एग्स, ये एनर्जी गिविंग फूड हैं। तो थर्ड भी हो जाएगा फॉल्स। फोर, पीपल ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल ईट अ लॉट ऑफ फिश। लोग जो कि केरला और वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो लोग काफ़ी फिश खाते हैं, मतलब फिश उनका डेली डाइट का भोजन है, काफ़ी ज़्यादा फिश वो खाते हैं। तो फोर हो जाएगा ट्रू। एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स आर गुड फॉर आइस स्किन एंड टीथ। साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस लेमन्स, ये हमारी आइज स्किन और टीथ के लिए अच्छे होते हैं। सेकेंड, कॉफ़ी इज मेड बाय ग्राइंडिंग द कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी, ये कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके बनाया जाता है। थर्ड, आवर मील्स शुड हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमारी मील, हमारा भोजन, उसमें सभी तरह के फूड होने चाहिए। फोर, वेजिटेरियंस हु डू नॉट ईट इवन हैव डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजेंस। वेजिटेरियंस जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, उन्हें वेजेंस कहते हैं। एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, बेनामी खीर। फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बेनामी खीर, ये हिमाचल प्रदेश की डिश है। सेकंड, पनीर। सेकंड का सी मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर, ये मिल्क से बनाया जाता है। थर्ड, छपरा। थर्ड का हो जाएगा बी मेड फ्रॉम रेड एंट्स। छपरा, ये रेड एंट से बनाया जाता है। फोर, थेपला एंड चटनी। फोर का ए गुजरात। थेपला एंड चटनी, ये गुजरात की डिश है। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट, अ प्लांट हुज स्टेम वी ईट। एक प्लांट जिसकी स्टेम हम खाते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा पोटैटो। सेकंड, ऑयल वी गेट फ्रॉम ऑलिव्स। वो ऑयल जो हमें ऑलिव से मिलता है। सेकंड हो जाएगा ऑलिव ऑयल। थर्ड,
अ स्वीट डिश दैट यूजेस गार्लिक, एक स्वीट डिश जिसमें गार्लिक पड़ती है। तो थर्ड हो जाएगा बेनामी खीर। फोर, अ पॉपुलर डिश दैट यूजेस रॉटन पोटैटोज, एक पॉपुलर डिश जिसमें रॉटन पोटैटोज पड़ते हैं। तो फोर हो जाएगा पान प्यूत। तो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 12 की, जो कि पेज नंबर 86 पर है, जो हमने अभी स्टडी किया। आप वीडियो देखिए और इसको लर्न करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12, पेज नंबर 86। एक्सरसाइज ए, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, राइस एंड वीट आर टू टाइप्स ऑफ डिश। राइस और वीट, ये दोनों इस चीज़ के टू टाइप्स हैं, इनके दो प्रकार हैं। ऑप्शन ए पल्सेस, बी कुकिंग ऑयल, सी सीरियल्स। तो फर्स्ट में हो जाएगा ऑप्शन सी सीरियल्स। राइस और वीट, ये दोनों सीरियल्स के दो टाइप्स हैं। सेकंड, वी गेट मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द डैश ऑफ मस्टर्ड प्लांट। हमें मस्टर्ड ऑयल मिलता है मस्टर्ड प्लांट के इस पार्ट से। ऑप्शन ए रूट, बी सीड्स, सी स्टेम। तो सेकंड में हो जाएगा ऑप्शन बी सीड्स। थर्ड, सुगर इज मेड फ्रॉम डैश। सुगर इस चीज़ से बनाया जाता है। ऑप्शन ए पोटैटो, बी जिंजर, सी सुगर केन। तो थर्ड में हो जाएगा ऑप्शन सी सुगर, ये सुगर केन से बनता है। फोर, फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मिल्क आर आल्सो कॉल्ड डैश प्रोडक्ट्स। फूड आइटम्स जो कि मिल्क से बनाए जाते हैं, उन्हें इस तरह के प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए डेरी, बी एनिमल, सी वेजिटेरियन। तो फोर में हो जाएगा ऑप्शन ए डेरी। फूड आइटम्स जो मिल्क से बनाए जाते हैं, उन्हें डेरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। एक्सरसाइज बी, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो लिखे हुए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट, फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क स्टडी एंड प्ले। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, जैसे स्टडी एंड प्ले, पढ़ने और खेलने के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन ट्रू, फर्स्ट में ट्रू। सेकंड, मूंग उड़द एंड मसूर आर सीरियल्स। मूंग उड़द और मसूर, ये सब सीरियल्स हैं। तो सेकंड हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, मिल्क एंड एग्स आर एनर्जी गिविंग फूड। मिल्क और एग्स, ये एनर्जी गिविंग फूड हैं। तो थर्ड भी हो जाएगा फॉल्स। फोर, पीपल ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल ईट अ लॉट ऑफ फिश। लोग जो कि केरला और वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो लोग काफ़ी फिश खाते हैं, मतलब फिश उनका डेली डाइट का भोजन है, काफ़ी ज़्यादा फिश वो खाते हैं। तो फोर हो जाएगा ट्रू। एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स आर गुड फॉर आइस स्किन एंड टीथ। साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, ये हमारी आइज, स्किन और टीथ के लिए अच्छे होते हैं। सेकेंड, कॉफ़ी इज मेड बाई ग्राइंडिंग द कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी, ये कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके बनाया जाता है। थर्ड, आवर मील्स शुड हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। हमारी मील, हमारा भोजन, उसमें सभी तरह के फूड होने चाहिए। फोर, वेजिटेरियंस हु डू नॉट ईट इवन हैव डेयरी प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजेंस। वेजिटेरियंस जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, उन्हें वेजेंस कहते हैं। एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, बेनामी खीर। फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। बेनामी खीर, ये हिमाचल प्रदेश की डिश है। सेकंड, पनीर। सेकंड का सी मेड फ्रॉम मिल्क। पनीर, ये मिल्क से बनाया जाता है। थर्ड, छपरा। थर्ड का हो जाएगा बी मेड फ्रॉम रेड एंट्स।
चपरा ये रेड एंड से बनाया जाता है। फोर थेपला एंड चटनी, फोर का ए गुजरात, थेपला एंड चटनी ये गुजरात की डिश है। आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट अ प्लांट हुज स्टेम वी ईट, एक प्लांट जिसकी स्टेम हम खाते हैं, तो फर्स्ट हो जाएगा पोटैटो। सेकेंड ऑयल वी गेट फ्रॉम ऑलिव्स, वो ऑयल जो हमें ऑलिव से मिलता है, तो सेकेंड हो जाएगा ऑलिव ऑयल। थर्ड अ स्वीट डिश दैट यूजेस गार्लिक, एक स्वीट डिश जिसमें गार्लिक पड़ती है, तो थर्ड हो जाएगा बेनामी खीर। फोर अ पॉपुलर डिश दैट यूजेस रॉटन पोटैटोज, एक पॉपुलर डिश जिसमें रॉटन पोटैटोज पड़ते हैं, तो फोर हो जाएगा पान प्योत। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 12 की, जो कि पेज नंबर 86 पर है, जो हमने अभी स्टडी किया। आप वीडियो देखिए और इसको लर्न करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।